भगत सिंह को सर वो तो खैर अपवाद ह्यूमन बीइंग है इस धरती पर, अगर इस देश के हर युवा के डीपी पे सिर्फ भगत सिंह होते ना सर तो भी कोरोना कुछ नहीं कर पाता सर। इस देश के युवाओं में किसी चीज की कमी थोड़ी है सर, ना जज्बे की कमी है, ना युद्ध लड़ने की क्षमता में कमी है। भगत सिंह सर एक दिन पहले हैंग कर दिए गए, जज्बा देखो सर एक दिन पहले। भगत सिंह को सर वो तो खैर अपवाद ह्यूमन बीइंग है इस धरती पर। 24 तारीख को हैंगिंग थी, 23 को कर दिए गए। गवर्नमेंट को सूचना मिल गई कि साहब आपको, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन थी हो सकता है कम्युनिस्ट लाहौर जेल पर अटैक कर दे, तो 22 तारीख को जेलर गया लाहौर जेल का कि सॉरी सर मॉर्निंग हमारे पास ऑर्डर आ गया सर कल ही हैंग करना पड़ेगा। और दूसरे दिन 4 बजे तैयार, नहा धो के रेडी, मेडिकल चेकअप हुआ, वेट 4 केजी बढ़ गया सर 4 केजी। यहां जिनके घरों में सुबह बादाम पीस पीस कर पिलाया जा रहा है उनका 1 ग्राम बढ़ने में हालत खराब है। मरने जाते वक्त किसका वेट बढ़ता है सर 4 केजी 4 केजी। अगली बात बड़ी मजेदार है सर। जेलर ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश, तो एक किताब पढ़ रहे थे मार्क्स एंड लेनिन। बोले इसके 15 पेजेस बचे हुए हैं, उन्हें पूरा कर लेते हैं। सर इस तरह का जज्बा सर मरने जा रहा है आदमी सर। यहां लोग मुझे फोन करके पूछते हैं सर एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, सर इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिए। तू सर नीचे कर, तेरे सर पे टिक कर दूं। तुझे डॉक्टर बोला आईएएस की तैयारी करने के लिए? जो भी चीज मजबूरी में करोगे उसमें परिणाम मिलने की संभावनाएं न्यूनतम है, नेग्लिजिबल। एनीथिंग विच यू विल डू इन कंपल्शन, इन दैट थिंग द चांसेस टू गेट द रिजल्ट इज नेग्लिजिबल। 15 पेज मरने जा रहे हैं सर। जैसे ये बॉलीवुड के कलाकार हैं उनको गलती से लोग हीरो कहते हैं, वो थोड़े हीरो हैं सर, हीरो तो भगत सिंह है सर। अगर इस देश के हर युवा के डीपी पे सिर्फ भगत सिंह होते ना सर तो भी कोरोना कुछ नहीं कर पाता सर। हमने हीरो, हमने बड़ी सारी परिभाषाएं ही गलत दे दी सर। जज्बा पैदा ही नहीं हुआ क्योंकि इनके पास तो है नहीं, ये तो मूवी पर्दे पे रियल लाइफ में जज्बा दिखाते हैं ना सर, ओरिजिनल लाइफ में। बाहर निकलकर ओरिजिनल जीवन में लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना और एक मुकाम बनाना, मैं आपसे कल से यह निवेदन कर रहा हूं। एक इस दुनिया में एक ही सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत। कुछ भी करना है, कुछ भी, कुछ भी। सेवा करनी है शक्ति, भक्ति करनी है शक्ति, हर जगह शक्ति की जरूरत है सर, हर जगह।
इसलिए हर व्यक्ति की जीवन में पहली प्रायोरिटी होना चाहिए शक्ति का अर्जन, अचीवमेंट ऑफ पावर एट एनी कॉस्ट। अब उस पावर को लगाना कहां है ये आपको डिसाइड करना है, और वो चीज डिसाइड करेगी कि आप संत थे या शैतान थे। और शक्ति जब भी बेहोश लोगों के हाथ में आ जाएगी, आज इस देश की समस्या क्या है, शक्ति, कल इसीलिए मैंने कहा था कि हमको भी अपनी गलती माननी पड़ेगी सर। सबसे आसान काम है दूसरे को दोष देना, सबसे मुश्किल काम है खुद को दोष देना, सबसे आसान काम है दूसरे को डिसिप्लिन करना। सबसे मुश्किल काम है खुद को डिसिप्लिन करना, सबसे आसान काम है दूसरों की बुराई देखना। ये सब बड़े आसान काम है सर। भारत को जगाओ सर, और देश को बचाओ, और ये बचाएगा कौन? युवा। ये जो लाखों भगत सिंह टहल रहे हैं ना सड़कों पे सर, इस देश के युवाओं में किसी चीज की कमी थोड़ी है सर, ना जज्बे की कमी है, ना युद्ध लड़ने की क्षमता में कमी है। मूवी देखते हो ना, बच्चा पैदा होता है, फिर उसके घर में घटना घटती है, फिर वो बड़ा होता है, फिर मूवी के लास्ट में वो बदला लेता है, और मूवी चल रही है सर। मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है देश को बचाना। भारत को जगाओ और देश को बचाओ। हर घर में अलख बना दो सर, हर घर में। हर घर में, मैं तो सर इतने मैसेज आते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, बड़े सारे मैसेज तो मैं सर पढ़ ही नहीं पाता, इतने मैसेज हैं, मैं कितने खोलूं? पहले दो चार जो मिल गए वो मिल गए सर। आप लोगों को लगता होगा कि यार हमारा तो नाम ही नहीं ले रहे, हमारा मैसेज नहीं पढ़ रहे, सर ऐसा नहीं है सर। सर भारत को जगाओ सर और भारत को बचाओ। जय हिंद सर।